देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो के प्राथमिक खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के उद्घाटन के साथ ही RRTS कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी दिल्ली NCR वालों के लिए। आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर को बताना चाहूंगा करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार रहेगी जो पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा जिसके अंदर सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय आवागमन के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है। और 2x2 की इसमें जो है सीटिंग की गई है, खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, CCTV कैमरा है, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 इसके अंदर कोच रहेंगे जिसका पहला बिल्कुल गिरीश। और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री उस स्टेशन पे पहुंचे और QR कोड से उन्होंने स्कैन करके टिकट भी लिया। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे हैं और सबसे पहला टिकट उन्होंने खरीदा है। तो एक संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये टिकट खरीदा है और उसके अंदर कुछ देर बाद ट्रेन से यात्रा भी करेंगे ये नमो भारत ट्रेन।